सही है। तो इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वी विल बी स्टडीइंग अबाउट कंपाउंड्स फ्रॉम लिविंग थिंग्स, जैसे कार्बोहाइड्रेट्स हो गए, प्लांट्स हो गए, शुगर्स हो गई, फैट्स हो गई। अब ये जब बरीड हो गया था अर्थ में, तो उससे जो बना क्रूड ऑयल, क्रूड ऑयल की इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है, तो मेनली मेजरली हम इसमें क्रूड ऑयल पढ़ रहे होंगे। सही है। अच्छा, इसके अंदर कंपाउंड्स में हमारे पास ज्यादातर जो कंपाउंड्स होते हैं ना, उनके पास जो एलिमेंट होता है वो होता है कार्बन। ठीक है, तो सारे के सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में ना, तो कार्बन तो मस्ट है, एज वन ऑफ इट्स एसेंशियल एलिमेंट्स। कार्बन होगा और हाइड्रोजन होगा, तो कार्बन एंड हाइड्रोजन आर एसेंशियल एलिमेंट्स। ठीक है। अच्छा, दूसरी बात इनके बारे में, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के बारे में ये होती है कि ये हमेशा कोवेलेंट होते हैं, दे आर ऑल कोवेलेंट कंपाउंड्स। आप लोग अच्छी तरह पता है आयनिक कंपाउंड क्या होते हैं, कोवेलेंट कंपाउंड्स क्या होते हैं। अब जाहिर है कार्बन के हैं, तो कार्बन हम लोगों को पता है कि वो नॉन मेटल में आता है, ग्रुप फोर, और ये जो बाकी बॉन्ड बनाता है ये शेयरिंग से बनाता है, तो मतलब ये कोवेलेंट कंपाउंड बनाता है, इसलिए ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कोवेलेंट कंपाउंड होते हैं। रिकॉर्ड हो रही है? चलो, मंडे ही सही है। अच्छा, दे आर ऑल कोवेलेंट कंपाउंड्स। अच्छा, दूसरी बात ऑर्गेनिक इनके लिए होती है कि फ्लेमेबल होते हैं, आग लग जाती है इनमें, फ्लेमेबल, फ्लेमेबल कह दो या इनफ्लेमेबल कह दो। अच्छा, दे रीडली कैच फायर। अच्छा, दूसरी बात ये कि इनके मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट लो होते हैं, लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। दे हैव लो मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट्स। अच्छा, उसके बाद अनस्टेबल होते हैं। अच्छा, इनकी आते कहाँ से हैं, लिविंग थिंग से? या तो लिविंग थिंग जिंदा हो या मरी हुई हो, दोनों तरह से ऑर्गेनिक कंपाउंड मिलने लिविंग थिंग से ही हैं। ठीक है, और ये इनकी जनरल बातें हैं जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, ऑर्गेनिक कंपाउंड जो पढ़ते हैं उनके बारे में मैं तुम्हें बता रहा हूँ। अच्छा, आगे चलते हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड में बहुत सारे डिफरेंट टाइप्स के हैं। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल, आज तक हम लोगों ने जो पेट्रोल है ना, पेट्रोल नेफ्ता, ठीक है, ऑक्टेन जो होता है वो हमारे पास एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है। अब करेक्टरिस्टिक देखो कितनी डिफरेंट है। अच्छा, फैट्स जो होते हैं ना हमारे पास, वो भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है। ठीक है, और है ऑर्गेनिक कंपाउंड, मतलब पेट्रोल भी जो है वो कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बना हुआ है। पेट्रोल के अंदर भी कार्बन और हाइड्रोजन है, फैट्स के अंदर भी कार्बन और हाइड्रोजन है, ग्लूकोज के अंदर भी कार्बन और हाइड्रोजन है, अगेन प्रोटीन के अंदर भी कार्बन और हाइड्रोजन है। सही है, लेकिन इनके अरेंजमेंट डिफरेंट है, नंबर ऑफ कार्बन हाइड्रोजन डिफरेंट है, अरेंजमेंट डिफरेंट है। क्योंकि देखो, पेट्रोल को क्या फैट्स की जगह यूज कर सकते हो, क्या फैट्स को ग्लूकोज की जगह यूज कर सकते हो, ग्लूकोज को प्रोटीन की जगह यूज कर सकते हो? नहीं, सिर्फ इनकी अरेंजमेंट डिफरेंस होने से, या इनके अलावा इनमें जैसे प्रोटीन है तो इसमें एक एलिमेंट नाइट्रोजन भी डला हुआ होगा, फैट्स है तो इसमें ऑक्सीजन भी होगा, ग्लूकोज है तो इसमें OH होगा, पेट्रोल में सिर्फ कार्बन हाइड्रोजन होता है। तो सिर्फ इनके अरेंजमेंट डिफरेंस होने से और कुछ एलिमेंट एक्स्ट्रा ऐड होने से इनकी प्रॉपर्टीज चेंज हो जाती हैं। तो इसलिए हमारे पास बहुत ज्यादा, बहुत डिफरेंट वैरायटी के हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बनते हैं। ठीक है, इसलिए इनको हमने फिर इनको क्लासीफाई किया हुआ है, डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप्स में क्लासीफाई किया हुआ है। अगर इस तरह के ऑर्गेनिक कंपाउंड है तो इनका ये नाम दे दो। इनके क्यों अलग नाम क्यों दिया है? क्योंकि उनके स्ट्रक्चर डिफरेंट है, चलो ठीक है, और उनकी प्रॉपर्टीज भी डिफरेंट है, उनके फंक्शंस समझा दें। देखो, मैं ये कह रहा हूँ कि हमारे पास जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं वो बहुत ज्यादा वैरायटी के हैं। अब कार्बन हाइड्रोजन के कंपाउंड हैं उसको हमने कह दिया ऑर्गेनिक है, लेकिन पेट्रोल भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है, फैट्स भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ग्लूकोज भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है। तो अब हमें कोई क्लासिफिकेशन करनी है ना कि भाई नहीं, ये ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है थोड़ा सा डिफरेंस तो इनके बीच में है ना, तो इनको अलग क्लासीफाई करो, इनको अलग क्लासीफाई करो, इनको अलग क्लासीफाई करो। तो फिर हम लोग निकालते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, और उसको हम क्लासिफाई करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ कार्बन, कि कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है या कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, या उसके अंदर सिर्फ कार्बन है, हाइड्रोजन है या ऑक्सीजन है। तो इस बेसिस पे हम उसको क्लासिफाई करते हैं, फिर उनको हम फंक्शनल ग्रुप देते हैं। तो जो क्लासिफिकेशन है ना, वो हम लोगों ने उसको अलग अलग ग्रुप्स में क्लासीफाई कर दिया है। अब वो क्या क्या ग्रुप्स हैं, हम बोलेंगे कि जो भी ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है ना, तो ओ लेवल के स्कोप तक,
उनमें या तो आपके पास एल्केन्स होंगे, अभी क्या होते हैं ये बारी बारी एक चैप्टर है इन सब पे, या तो एल्कीन्स होंगे या एल्कोहल्स होंगे, सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड हैं, या कार्बोक्सिलिक एसिड्स होंगे, या हमारे पास एस्टर्स होंगे। अब इन सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का अलग अलग चैप्टर है। अब जैसे थोड़ा थोड़ा डिफरेंशिएशन मैं अभी इनके बीच में बताऊं ना, जो एल्केन्स होते हैं इसमें जो कार्बन कार्बन होता है उनमें सिंगल बॉन्ड होता है, सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड, एल्कीन्स में डबल कोवेलेंट बॉन्ड होता है, एल्कोहल में कार्बन के साथ OH लगा हुआ होता है, ऑक्सीजन आ जाता है, कार्बोक्सिलिक एसिड में कार्बन के साथ दो ऑक्सीजन लगे हुए होते हैं इस तरह से, और OH भी लगा हुआ होता है, एस्टर्स में कार्बन के साथ दो O इस तरह से लगे हुए होते हैं। तो ये इनके अपने अपने फंक्शनल ग्रुप्स हैं, ये भी हम पढ़ेंगे, लेकिन मैं ये बता रहा हूँ कि हमने जो इनकी क्लासिफिकेशन की वो ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ बॉन्ड्स की, और कौन सा एलिमेंट है उसके साथ लगा हुआ एक्स्ट्रा उस पर की। इसके अलावा भी बहुत सारे होते हैं जो हमारे स्कोप से बाहर हैं, जैसे कीटोन होता है, एल्डिहाइड होता है, अमाइनो एसिड्स होता है। अमाइनो एसिड्स हम थोड़ा सा देखेंगे, ठीक है, लेकिन फिलहाल मेजरली हमारे पास सिलेबस में ओ लेवल के ही हैं, तो इसलिए हम इससे आगे जाएंगे ही नहीं, और अक्टूबर नवंबर के बैच में तो हरगिज नहीं जाने वाले क्योंकि इतना टाइम ही नहीं है, ठीक है। अब इनको हम बारी बारी पढ़ेंगे कि एल्केन्स क्या होते हैं, क्या फर्क है एल्केन्स में। जब एल्केन्स पढ़ लोगे, एल्कीन्स पढ़ लोगे तो तुम खुद ही फर्क निकाल लोगे कि अच्छा एल्केन्स ऐसे होते हैं, एल्कीन्स ऐसे होते हैं। तो ये हमारे पास, इसको हमने फैमिलीज में डिवाइड किया हुआ है। अच्छा, ऑन द बेसिस ऑफ कार्बन हम लोगों ने जो डिसाइड डिवाइड किया हुआ है ना उसको, तो हम लोग कहते हैं कि एल्केन्स और एल्कीन्स। तो हमारे पास ना दो तरह के ऑर्गेनिक कंपाउंड बन रहे होते हैं, एक तो होता है सैचुरेटेड, एक होता है अनसैचुरेटेड, ठीक है। ऑर्गेनिक कंपाउंड हमारे पास दो तरह के होते हैं, एक होता है सैचुरेटेड और एक होते हैं अनसैचुरेटेड। सैचुरेटेड वो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं जिनमें जो कार्बन कार्बन चेन होती है वो डबल बॉन्ड होती है, ठीक है, सॉरी सिंगल बॉन्ड होती है, और अनसैचुरेटेड वो वाले होते हैं जिनमें कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड होते हैं। अच्छा, अब देखो कार्बन जो है ना, कार्बन करता क्या है, कार्बन के पहले कार्बन के बारे में तो सीखो कि ऑर्गेनिक कंपाउंड में मेनली इन्वॉल्व कौन है, कार्बन इन्वॉल्व है। तो कार्बन ये करता क्या है, कार्बन जो है ना, एक तो ये चार बॉन्ड बनाता है। कार्बन के बारे में जरा देखो, कार्बन करता क्या क्या हरकत है। कार्बन, इसका प्रोटॉन नंबर होता है 6, इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है 2.4। इसके आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, चार इलेक्ट्रॉन्स हैं, और जिसके आउटर मोस्ट शेल में चार इलेक्ट्रॉन्स है तो उसको रिक्वायर्ड कितने होंगे अपना स्टेबल होने के लिए, 4 इलेक्ट्रॉन्स। अगर उसको 4 इलेक्ट्रॉन्स रिक्वायर्ड है तो कितने नंबर ऑफ बॉन्ड्स बनाएगा, जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रिक्वायर्ड होते हैं उतने ही नंबर ऑफ बॉन्ड्स बनाता है, तो वो चार बॉन्ड बनाएगा, सही है। तो कार्बन जो है वो चार कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है, ठीक है। अब चार कोवेलेंट बॉन्ड वो किस किस से बनाता है वो उसकी मर्जी है। वो ऐसा भी हो सकता है कि कार्बन जो है वो दूसरे कार्बन से बॉन्ड बनाए। तो जो कार्बन कार्बन होते हैं ना, इन ये लोग ना आपस में इनकी एक अलग, एक क्या कहते हैं, ताल्लुकात अलग होते हैं, ठीक है, नेपोटिज्म समझते हो ना। तो कार्बन चाहता है कि मैं बॉन्ड जो है ना दूसरे कार्बन से बनाऊं, ठीक है, अपनी ब्रादरी का, और दूसरा कार्बन चाहता है कि मैं बॉन्ड जो है ना वो अपने कार्बन से बनाऊं। तो कार्बन कार्बन जो है ना एक लॉन्ग चेन प्रोड्यूस करते हैं इस तरह से, मतलब वो बोलता है यार मुझे कार्बन से बॉन्ड करना है, दूसरा वाला कार्बन कहता है मुझे भी कार्बन से करना है, वो कहता है मुझे भी कार्बन से करना है, तो ये इस तरह से एक लॉन्ग चेन बना लेते हैं, ठीक है। ये जो फॉर्मेशन ऑफ लॉन्ग चेन है ना, इस प्रोसेस को हम कहते हैं कैटिनेशन, ठीक है। कैटिनेशन तो किस तरह से डिफाइन करोगे, वैसे डेफिनेशन आती नहीं है, फॉर्मेशन ऑफ लॉन्ग कार्बन चेन, अपनी समझ के लिए याद रखना, फॉर्मेशन ऑफ लॉन्ग कार्बन चेन्स। अच्छा, अब कार्बन कार्बन जो है ना, अब आपस में बॉन्ड इस तरह भी बना सकते हैं। अच्छा, बाकी जो उनके, फिर अब बैलेंसी तो पूरी करनी है ना, ऐसा तो नहीं है कि सारे चारों के चार कार्बन लग जाए तो वो इस तरह से कुछ इस तरह से भी हरकत कर लेते हैं ये, लेकिन फिर भी जो मेरे कार्बन है उसकी दो दो वैलेंसी फ्री है ना, तो यहाँ पे ये हाइड्रोजन हाइड्रोजन लगा लेंगे, कुछ ना कुछ करके जो है ना इनको अपनी चार बॉन्ड तो पूरे करने करने हैं, लेकिन इनकी ख्वाहिश क्या होती है कि मैं दूसरे कार्बन के साथ ही बॉन्ड बनाऊं। अक्सर जो है वो इस तरह से स्ट्रेट चेन में कार्बन 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 कार्बन, ये स्ट्रेट चेन है, और ये जो मैंने बना दिया ना, ये मैंने कार्बन चेन को क्लोज कर दिया, इसको क्लोज चेन कह लो।
चेन किसको कह रहा हूँ मैं, ये कार्बन कार्बन है, लंबी सी चेन बन रही है ना, कार्बन कार्बन कार्बन। अब इनको अपनी वैलेंसी पूरी करनी है, तो ये वाला जो कार्बन है इसकी तीन, एक बॉन्ड बना हुआ है, तीन बॉन्ड की जगह हाइड्रोजन लगा दो। इसी तरह जो सेकंड वाला कार्बन है इसकी दो वैलेंसी पूरी हुई है, एक बॉन्ड यहाँ बना हुआ है राइट पे एक लेफ्ट पे, तो ऊपर नीचे हाइड्रोजन लगा दो। इसी तरह इस कार्बन के भी ऊपर नीचे आगे पूरा पूरा हाइड्रोजन से फिल कर दो। तो अक्सर ये कार्बन इस तरह से कर रहे होते हैं। अच्छा, कभी कभार वो क्या करते हैं, दो कार्बन जो है ना वो आपस में डबल बॉन्ड बना के बैठ जाते हैं। अब हर एक कार्बन ने इसमें से दो बॉन्ड तो बना लिए, अब उसको दो बॉन्ड और बनाने, चार करने के लिए, तो वो दो दो बॉन्ड और बना लेगा। कभी कभार कुछ केसेस में ये कार्बन जो है ना ये हरकत भी करते हैं, तो आपस में तीन बॉन्ड बना लेते हैं। अब जो है वो एक एक इनकी वैलेंसी फ्री रह गई है, तो एक एक हाइड्रोजन आ जाएगा। यूजली लॉन्ग चेन मिलती है, दो कार्बन वाली भी होती है, तीन कार्बन भी होते हैं, चार कार्बन भी होते हैं, पांच भी होते हैं, छह भी होते हैं, सात भी होते हैं। यही हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड का फर्क है कि जितनी लंबी हम चेन लॉन्ग करते रहेंगे उतना मॉलिक्यूल की प्रॉपर्टीज चेंज होती जाएंगी, ठीक है, उतनी उसकी मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट चेंज होते जाएंगे, उतना उसके यूजेस चेंज होते जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल डीजल और पेट्रोल, डीजल तुम लोगों को पता है भारी होता है, भारी इंजन में, ट्रक वगैरह में यूज होता है, पेट्रोल गाड़ियों में यूज होता है, बाइक्स में यूज होता है, दोनों एक ही चीज से निकलते हैं, दोनों एक ही चीज होती है। बस फर्क क्या होता है कि डीजल में जो कार्बन चेन है ना वो बहुत लंबी होती है, पेट्रोल में कार्बन चेन छोटी होती है, पेट्रोल में 8 कार्बन की एक चेन बनी हुई होती है, डीजल में 12 से ज्यादा कार्बन की एक चेन बनी हुई होती है। दोनों में देखो फर्क आ जाता है, इंजन उसके अलग अलग बनाने पड़ जाते हैं, लेकिन पूरी चीज एक ही होती है, ठीक। अच्छा, तो हमारे पास जो पहली फैमिली है ना, हमने नाम लिखा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, वो एल्केन्स। हमारा जो पहला चैप्टर है ना वो है एल्केन्स का। एल्केन्स देखो, एल्केन्स के बारे में क्या बात करनी है, एल्केन्स जो होते हैं ना वो हमारे पास सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होते हैं। हाइड्रोकार्बन, हाँ एक वर्ड और जरा जहन में रखना, हाइड्रोकार्बन। बार बार मैं हाइड्रोकार्बन का वर्ड जरूर यूज कर रहा हूँ। हाइड्रोकार्बन क्यों, क्योंकि जब मैंने ऑर्गेनिक कंपाउंड बनाया तो इसमें दो तरह के एलिमेंट बहुत ज्यादा मिलते हैं, कार्बन और हाइड्रोजन, इसलिए इसको हाइड्रोकार्बन अक्सर कहा जाता है, ठीक हो गया। अच्छा, अब एल्केन्स जो हैं, एल्केन्स में क्या फर्क होता है, जो एल्केन्स को एल्कीन्स और बाकी जो फैमिली है उससे डिफरेंट कर रहे होते हैं, ठीक है। अच्छा, इसमें एल्केन्स में हमारे पास जो है कार्बन और हाइड्रोजन ही होंगे, ये हाइड्रोजन ही है, लेकिन ये सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। सैचुरेटेड का क्या मतलब है कि कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड बनाते हैं, या सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन की अगर लिखना चाहो हाइड्रोकार्बन के बारे में, तो हाइड्रोकार्बन क्या होता है, हाइड्रोकार्बन विच कंटेन ओनली कार्बन बॉन्ड, कार्बन एंड हाइड्रोजन, ठीक है। अच्छा, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के बारे में क्या लिख सकते हो, एल्केन्स आर सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन बिकॉज दे फॉर्म कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड। जरा मुझे एक सेकंड देना। हाँ जी, यहाँ तक बात समझ आई। तो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स क्या हैं? हाइड्रोकार्बन्स विद कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड, दैट्स इट। इतने इससे ज्यादा बड़ी डेफिनेशन याद करने की कोशिश नहीं करना। तो एल्केन्स जो होते हैं वो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स होते हैं, सबसे पहली तो इसके बारे में ये बात याद रखना। अच्छा, दूसरी बात एल्केन्स की ना मैं एग्जाम्पल देता हूँ कि एल्केन हमारे पास कौन कौन से हैं। जो सबसे पहला एल्केन है ना हमारे पास, उसका नाम है मिथेन, ठीक है। इसका फॉर्मूला है CH4,
CH4 हम लोगों ने बॉन्डिंग में भी बहुत पढ़ा है, ठीक है। इसकी अगर हम बॉन्डिंग बनाते हैं डॉट एंड क्रॉस, तो कार्बन कार्बन हमें पता है चार बॉन्ड बनाएगा, हाइड्रोजन जो है वो एक एक बॉन्ड बनाएगा, तो इसकी डॉट एंड क्रॉस बॉन्डिंग हमने ऐसे बनाई है, ठीक है। CH4 कोवेलेंट बॉन्डिंग जो है इसकी डॉट एंड क्रॉस। अच्छा, अब हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ना डॉट एंड क्रॉस नहीं दिखाएंगे, सिर्फ डंडियां दिखाएंगे, सिर्फ और सिर्फ डंडियां दिखाएंगे, डॉट एंड क्रॉस नहीं दिखानी है हमें। ये जो हम डंडियां दिखाते हैं ना, इस चीज को हम कहते हैं डिस्प्लेट फॉर्मूला, ठीक है। हम लोग क्या करेंगे, सिंपल अपना काम जो है ना, इस तरह से इसका डिस्प्लेट फॉर्मूला ऐसे बना देंगे, सारे बॉन्ड्स दिखा देंगे, ठीक है। दिस इज नोन एज डिस्प्लेट फॉर्मूला ऑफ एल्केन। तो मैं जो तुम लोग अभी पढ़ा रहा हूँ ना, वो हम लोग देख रहे हैं, यार मिथेन है, मिथेन उसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आप लिखेंगे CH4, और उसकी जो डिस्प्लेट फॉर्मूला बनाएंगे वो आपका ये वाला ऊपर जो बना हुआ है ना, सारा जो है ना मैं अलग से कर रहा हूँ, ठीक है। मुझे हेडिंग ये डालनी है इसमें कि पहले मैं आपको बता रहा हूँ कि मेरे पास जो हाइड्रोकार्बन है उसका नाम क्या है, मतलब जो एल्केन में है उसका नाम क्या है, उसके बाद उसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है, उसके बाद उसका डिस्प्लेट फॉर्मूला क्या है, ठीक हो गया। अच्छा, पहला जो हमारे पास मैंने लिया है एल्केन्स के लिए हो रही है ये सारी कहानी ना, हमने लिया है मिथेन, इसका नाम है मिथेन। मिथेन का जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है वो है CH4, एक कार्बन चार हाइड्रोजन, ठीक है। अभी सब बताता हूँ इसको मिथेन नाम क्यों दिया है। अच्छा, और इसका जो डिस्प्लेट फॉर्मूला है ना, वो आप ऐसे बनाओगे कि कार्बन हाइड्रोजन 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 हाइड्रोजन। दूसरा जो है ना हमारे पास वो है इथेन, इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है C2H6, और इसका जो डिस्प्लेट फॉर्मूला है देखो, इसका भी हमने केमिकल बॉन्डिंग में बनाया था, दो कार्बन है आपस में सिंगल बॉन्ड बना के बैठे हुए, और बाकी जगह पे वैलेंसी पूरी करने के लिए हाइड्रोजन हाइड्रोजन लगा दो तो C2H6 बन जाएगा। तीसरा है हमारे पास प्रोपेन, प्रोपेन है C3H8। अच्छा, इसका फॉर्मूला क्या बनेगा, तीन कार्बन है बाकी हाइड्रोजन 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 एंड हाइड्रोजन। अच्छा, इसके बाद चौथा हमारे पास जो है ब्यूटेन, उसमें कार्बन फोर हो जाएंगे। तो नोटिस कर रहे हो क्या रहा है, बस मैं एक एक कार्बन बढ़ा रहा हूं, यहाँ पे कार्बन जो है वो वन है, N=1 लिख दिया, कार्बन इसमें 2 है, प्रोपेन में कार्बन 3 है, ब्यूटेन में कार्बन 4 है। तो असल में हमारे पास ये जो क्या कहते हैं, ये वर्ड है ना मीथ, मीथ का मतलब 1, ईथ का मतलब 2, प्रोप का मतलब 3, ब्यूट का मतलब 4, और एल्केन है ना, तो एल्केन के नाम से, एल्केन मैंने इसको नाम दिया था ना, तो ANE मैंने यहां से उठा लिया और इसके साथ ANE लगा दिया, मिथेन हो गया, ईथ के साथ 2 के साथ लगा दिया तो इथेन हो गया, प्रोप के साथ लगा दिया तो एन प्रोपेन हो गया, एन को ब्यूट के साथ लगा दिया तो ब्यूटेन हो गया, सही है। तो इसको नाम हमने क्यों मिथेन दिया, कि मीथ हमने 1 बोला हुआ है, इथ हमने 2 बोला हुआ है, ठीक है, प्रोप हमने 3 बोला हुआ है, ब्यूट हमने 4 बोला हुआ है। अच्छा, ब्यूट का जो फॉर्मूला बनना है ना, वो बन रहा है ब्यूटेन का C4H10। इसका डिस्प्लेट फॉर्मूला बनाओगे तो चार कार्बन, बाकी खाना पूरी करने के लिए, बाकी वैलेंसी पूरी करने के लिए आपने हाइड्रोजन लगा देना है, तो टोटल 10 हाइड्रोजन लग जाएंगे। इसी तरह एक और सुनो, एक और बताना है,
एक है पेंटेन, पेंट होता है फाइव, एन लगा दो तो ये हो जाएगा पेंटेन सी फाइव एच ट्वेल्व। इसका अगर डिस्प्लेट फॉर्मूला बनाओगे तो पांच कार्बन का क्या मतलब है कि वन टू थ्री फोर फाइव, और हाइड्रोजन वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन इलेवन ट्वेल्व। सर तो हमें ये ब्यूटेन और पेंटेन इस ये सब याद करना पड़ेगा ना, किस किस साथ क्या वो आते हैं, मतलब कि सी फाइव और एच ट्वेल्व। मैं अभी सब याद करा रहा हूँ, आपको याद नहीं करना, अभी हो जाएगा याद, मैं बता रहा हूँ, सुनते रहो। अच्छा उसके बाद पता है, उसके बाद वैसे आता है हेक्सेन, वो आपको पेपर में आपसे खुद नहीं पूछेगा, बता देगा अगर हेक्सेन आ रहा होगा। नेक्स्ट इज हेक्सेन सी सिक्स हो जाएंगे इसमें एच फोर्टीन, कितने कार्बन लग जाएंगे छ, एक थोड़ा सा नीचे कर लेना चाहिए ये वाली चीज यार, एक तो ये पूरा छठा है ना हमारे पास, दिस इज हेक्सेन, इसका फॉर्मूला है सी सिक्स एच फोर्टीन, और इसमें वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स कार्बन, और हाइड्रोजन लगाओ वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन इलेवन ट्वेल्व थर्टीन एंड फोर्टीन। अच्छा अब देखो हमारे पास जो काउंटिंग है ना, वो काउंटिंग ऐसे चल रही है, पहला हमेशा होगा मीथ, वो शो कर रहा है हमारे पास एन इज इक्वल टू वन है, तो कार्बन की बात हो रही है यहाँ पे, तो एन इज इक्वल टू वन कार्बन है। दूसरा है हमारे ईथ, ईथ जो है वो एन इज इक्वल टू टू है। फिर है प्रॉप, प्रॉप जो होता है वो एन इज इक्वल टू थ्री होता है। ब्यूट होता है एन इज इक्वल टू फोर, और फिर पेंट होता है एन इज इक्वल टू फाइव। उसके बाद होता है हेक्स, हेक्सागोन होता है ना, जैसे जैसे पेंट होता है पेंटागोन फाइव, हेक्स जैसे होता है हेक्स होता है एन इज इक्वल टू सिक्स, हेक्स के बाद होता है हेप्ट, हेप्टेन एन इज इक्वल टू सेवन, फिर होता है ऑक्ट, ऑक्टागोन होता है ना जैसे ऑक्टोपस आठ टांगे वाला एन इज इक्वल टू एट, फिर होता है नॉन, नॉनेन होता है ना जैसे नाइन, फिर होता है डेक, वो होता है एन इज इक्वल टू टेन। अच्छा देखो हमारे पास, हमें कहाँ तक याद होने चाहिए, हमें सिर्फ और सिर्फ पेंट तक याद करना है ओ लेवल में, बाकी आपको नहीं याद कोई बात नहीं छोड़ दो। हेक्सेन मैंने ऐसी एग्जांपल दे रही थी। अच्छा अब अगर मैं एल्केन बना रहा हूँ इनसे, अगर मैं इन सबसे एल्केन बना रहा हूँ, तो एल्केन बनाने का क्या मतलब क्या है कि एल्केन की स्पेलिंग में, एल्केन के नाम में आखिर में ए एन ई आता है। देखो ए एन ई शो करता है फैमिली को कि कौन सी फैमिली है ऑर्गेनिक कंपाउंड की, जो एल के ना वो शो करता है कि ये ऑर्गेनिक कंपाउंड है, एल ए एल चीज जो है ना वो शो करती है कि ये ऑर्गेनिक कंपाउंड है, और जो ए एन ई है ये बेसिकली हमें शो करता है कि ये एल्केन है, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, इसको सैचुरेटेड या कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड या एक अलग फैमिली हो गई है। जैसे एल्कीन है तो एल्क तो होगा, ईन डिफरेंट हो जाएगा, तो एन शो करता है एल्केन है। तो अगर मैं मीथ के साथ यहाँ पे एन लगा दूंगा तो क्या बन जाएगा, मीथेन। ईथ के साथ एन लगा दूंगा तो क्या बन जाएगा, इथेन। प्रॉप के साथ एन लगा दूंगा तो क्या बन जाएगा, प्रोपेन। ब्यूट के साथ एन लगा दूंगा तो क्या बन जाएगा, ब्यूटेन। पेंट के साथ एन लगा दूंगा तो क्या बन जाएगा, पेंटेन। बस हमें ये पांच याद करना है नाम के साथ, ठीक है, मीथेन इथेन प्रोपेन ब्यूटेन पेंटेन। दूसरी चीज इसमें क्या याद करनी है, इनके मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। अच्छा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला में तुम लोगों ने अभी तक किसी ने अगर ट्रेंड पकड़ लिया हो तो अच्छी बात है, अगर नहीं पकड़ा तो देखो इसमें ट्रेंड बन रहा है। तो ट्रेंड क्या बन रहा है, अगर कार्बन यहाँ पे वन है तो हाइड्रोजन फोर है, ठीक है। क्या मतलब है, अगर तुम लोगों ने ओ लेवल मैथ्स में अगर अपना वो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन अगर पढ़ लिया है ना, तो वाली चीज है बिल्कुल, ठीक है। अगर कार्बन यहाँ पे वन है एन, तो हाइड्रोजन जो है फोर है, इसका क्या मतलब है कि मैं इस नंबर ऑफ कार्बन को टू से मल्टीप्लाई करूंगा और प्लस टू कर दूंगा इसके साथ, तो कितना हो जाएगा, कार्बन की जगह वन रखो और हाइड्रोजन यहाँ पे एन की जगह वन रखो, यहाँ पे वन रखोगे तो कितना हो जाएगा, टू वन जो टू प्लस टू फोर,
सिमिलरली यही जनरल फॉर्मूला जो है ना यहाँ भी लगाओ, एम की जगह पे टू रखो तो ये क्या हो जाएगा, कार्बन तो टू हो जाएंगे, हाइड्रोजन की जगह पे क्या हो जाएगा, एन की जगह पे टू 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 था फोर प्लस टू सिक्स। इसी तरह यहाँ पे यही फॉर्मूला लगाओ, सी एन एच टू एन प्लस टू, एन की जगह पे आपने थ्री रखा और दूसरे एन की जगह पे भी आपने थ्री रखा तो वो क्या बन जाएगा, सी थ्री एच टू थ्री था सिक्स प्लस टू इज एट, गॉट इट। इसी तरह यहाँ पे सी एन एच टू एन प्लस टू यहाँ भी लगाओ, एन की जगह पे फोर रखो और वहां भी एन की जगह पे फोर रखो तो ये क्या बन जाएगा, सी फोर एच टू फोर जार एट नाइन टेन। इसी तरह पेंटेन और हेक्सेन जरा खुद बनाओ। समझ आई बात, ले लो स्क्रीनशॉट। चलें आगे पढ़ें। देखो अगर मैं आपसे कहूं कि मेरे पास एक एल्केन है, मैंने आपको बोला यार मुझे मेरे पास एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है इसका मुझे फॉर्मूला बताओ। अच्छा मैंने ऑर्गेनिक कंपाउंड का तुम्हें नाम बता दिया, मैंने कहा जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है ना इसका नाम है ऑक्टेन, ठीक है। वैसे तो आएगा नहीं ऑक्टेन, लेकिन मैं तुम्हें ऐसी एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूँ ना। तुमने बोला ऑक्टेन का मतलब है कि इसमें ऑक्ट का क्या मतलब है, एन का तो मतलब है कि ये एल्केन है, एल्केन का क्या मतलब होता है कि इसमें कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड होगा, ठीक है, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड होगा, एल्केन जो होते हैं सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होते हैं। अब तुम्हें इस नाम से देखो कितनी सारी चीजें एक्सट्रैक्ट आउट कर सकते हो। तुमने बोला ऑक्ट का मतलब है कि इसमें कार्बन जो है ना वो आठ है, सही है। तुम इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी बना सकते हो, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कैसे बनाओगे, तुम बोलोगे एल्केन का जो जनरल फॉर्मूला होता है वो होता है सी एन एच टू एन प्लस टू, कार्बन इसमें आठ है, एन की जगह मैं आठ रख दूंगा और यहाँ पे एन की जगह पे मैं आठ रख दूंगा तो ये कितना फॉर्मूला बन जाएगा, सी एट एच एट टू सिक्सटीन प्लस टू एटीन सी एट एच एटीन। तुम इसका मॉलिकुलर मास भी निकाल सकते हो, फिर एट इंटू ट्वेल्व प्लस एटीन इंटू वन, एटीन हाइड्रोजन है और एट कार्बन है, तुम इसका मॉलिकुलर मास भी निकाल सकते हो ऑक्टेन का, सही है। फिर तुम बोलोगे कि मैं तो इसका वो भी बना सकता हूँ क्या, डिस्प्लेट फॉर्मूला भी बना सकता हूँ, आठ कार्बन है ना, तुम्हें पता है कि हर कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है क्योंकि ये एल्केन है ना, ए एन ई है, तो तुम आठ कार्बन ऐसे लगा दोगे, चार पांच छह सात आठ, और इन सब की जगह पे एक एक हाइड्रोजन लगा दोगे, मतलब वैलेंसी चार पूरी करने के लिए सबकी जगह पे हाइड्रोजन के बॉन्ड बना दोगे तो टोटल हाइड्रोजन तुम्हारे पास कितने आ जाएंगे, 18। तो आप जो है वो इसका फॉर्मूला भी बना सकते हो। इसी तरह अगर मैं आपको किसी चीज का फॉर्मूला दे दूं और बोलूं कि इसका नाम बताओ तो आप कार्बन गिन के नाम बता दोगे, अगर मैं आपको डिस्प्लेट फॉर्मूला दे दूं तो नाम कार्बन गिन के नाम बता दोगे, यूं लिखा हुआ दे दूं सी एच एट एटीन दे दूं तो तुम बोलोगे एट है तो मतलब ये, और जनरल फॉर्मूला क्या है, एट टू जै सिक्सटीन प्लस टू एटीन हो रहा है, एल्केन का जनरल फॉर्मूला फॉलो हो रहा है तो ये ऑक्टेन हो जाएगा, ठीक है, ये वही ऑक्टेन है। 16 क्या कह रहे हो तंजील, 16 क्या है यहाँ पे, 18 है यहाँ पे हाइड्रोजन। अच्छा अब ये ऑक्टेन क्या है, ये देखो पेट्रोल का फॉर्मूला है, पेट्रोल जो होता है ना उसको ऑक्टेन कहते हैं, सी एट एच एटीन, ठीक है। पेट्रोल पंप पे जाओ कहीं लिखा होता है ना हाई ऑक्टेन वगैरह, तो हाई मतलब अच्छा वाला पेट्रोल, हाई पे, तो ये बेसिकली पेट्रोल का फॉर्मूला है मेरे पास। हमें जो है शुरू के पांच एल्केन्स के ना नाम याद होने चाहिए, मीथेन इथेन प्रोपेन ब्यूटेन पेंटेन, उनके मॉलिक्यूलर फॉर्मूला याद होने चाहिए, उनके डिस्प्लेट फॉर्मूला बनाना आना चाहिए इन द फॉर्म ऑफ स्टेट चेन, सिर्फ स्टेट चेन लिखनी है कार्बन की। अक्सर असल में ये भी हो सकता है, स्टेट चेन पे मैं क्यों बार बार नाम ले रहा हूँ, आप बोलो कि मेरे पास जो है फॉर एग्जाम्पल चार कार्बन है, पांचवा कार्बन यूं लगा हुआ है और एक यूं लगा हुआ है, तो इसको हम फिर कहते हैं ब्रांच्ड चेन। तो ये अभी आगे पढ़ते हैं कि ये ब्रांच चेन की क्या कहानी है। फिलहाल एल्केन की कहानी ये है कि हमारे पास ये ऑर्गेनिक सीरीज है, ठीक है। ऐसी जब अब देखो हो क्या रहा है, जैसे डाउन इसको हम एक सीरीज कहते हैं, मीथेन इथेन प्रोपेन ब्यूटेन, तो इसको हमने एक नाम दिया हुआ है, इसको हमने बोला हुआ है होमोलोगस सीरीज, होमोलोगस सीरीज, क्योंकि इस होमोलोगस सीरीज में खास बात है, खास बात क्या है कि डाउन द सीरीज जब हम जा रहे हैं तो देखो नंबर ऑफ कार्बन और हाइड्रोजन इंक्रीज हो रहा है ना, मीथेन में वन है, इथेन में टू है, प्रोपेन में थ्री है, ब्यूटेन में चार है, पेंटेन में पांच है, हेक्सेन में छह है,
ठीक है, ये खास बात है इस होमोलोगस सीरीज की। हसन क्या रिपीट करने के लिए कह रहे हो? ऑक्टेन, ऑक्टेन C8, ऑक्टा होता है ना, ऑक्ट हाइड्रोजन, ऑक्ट कार्बन कितने हो जाएंगे, ऑक्ट का मतलब होता है 8। ठीक है, ये आपको बताएगा अगर देगा तो कभी, आपने से आपको पेंटेन तक पता होना चाहिए 5 होते हैं, बाकी उससे ऊपर देगा तो आपको बताएगा। N इज इक्वल टू 5 होता है, तो आपके पास एल्केन का जो जनरल फॉर्मूला है ना वो ये बनता है CnH2n+2, ये इसका जनरलाइज फॉर्मूला है। आपने इसके अंदर N की जगह 8 रखना है बस, तो ये क्या बन जाएगा, N की जगह पे यहाँ पे 8 रखोगे तो ये बन जाएगा 8 × 2 = 16, 17, 18, तो ये ऑक्टेन का मॉलिकुलर फॉर्मूला बन जाएगा। ठीक है, अब ये जो एल्केन है ना ये अपने आप में एक होमोलोगस सीरीज है। इसकी सिग्निफिकेंस ये है कि तुमने इसको एज अ सीरीज पढ़ा तो तुम्हें तुमने सिर्फ जो है वो मिथेन इथेन प्रोपेन को देखते हुए तुमने जनरल फॉर्मूला बना लिया। अब मैं तुम्हें ऑक्टेन दूं डिकेन दूं या हेप्टेन दूं, तुम फॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं है, ये फायदा है इसका। तुमने बोला कि जो होमोलोगस सीरीज होती है वो एक पूरी फैमिली को शो कर रही होती है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के, जैसे एल्केन है तो एल्केन की अपनी होमोलोगस सीरीज होगी। इसको क्या कहते हैं, सीरीज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड विच डिफर फ्रॉम ईच अदर बाय द सेम रिपीटिंग यूनिट्स। ठीक है, इसकी डेफिनेशन होमोलोगस सीरीज की वो पूछ लेता है, इसको लिखना है अ सीरीज ऑफ होमोलोगस अच्छा जी बल्कि नहीं सीरीज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स लिखो ना इसको, सीरीज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स विच डिफर बाय CH2 यूनिट। देखो CH2 यूनिट से डिफर हो रहा है ना, अब जैसे मिथेन है CH4 है, इथेन है C2H6। अब कैसे मैं जनरल, इसका जनरल फॉर्मूला जो है ना एल्केन सीरीज का, एल्केन होमोलोगस सीरीज का जो जनरल फॉर्मूला बन रहा है वो ये बन रहा है CnH2n+2। अब मैं माइंड में करे जा रहा हूँ, मैंने कार्बन एन की जगह 1 रखा तो ये हो जाएगा 2 × 1 = 2 + 2 = 4, एन की जगह पे 2 रखा तो कार्बन तो 2 हो जाएंगे, हाइड्रोजन कितने हो जाएंगे 2 × 4 + 2 = 6। अब ये सारा मैं माइंड में कर रहा हूँ जल्दी जल्दी। इसी तरह अगर मैं प्रोपेन रखूंगा तो क्या हो जाएगा, 2 × 3 = 6 + 2 = 8, 2 × 4 = 8 = 9 = 10, 2 × 5 = 10 = 6 = 12, ठीक है 2 × 5 = 10 = 11 = 12, 5 = 10 और 2 ऐड कर दो। इसी तरह C6 रखूंगा तो 2 × 6 = 12 = 13 = 14, 7 रखूंगा तो 7 × 2 = 14 + 2 = 16। इस तरह से ये जनरलाइज्ड फॉर्मूला है इसका, इसको हम कहते हैं जनरल फॉर्मूला। तो ये होमोलोगस सीरीज को एक साथ पढ़ने का फायदा क्या हुआ, हमें जनरल फॉर्मूला पता है। मैंने अगर 2 भी याद किए हुए ना तो बाकी मैं कुछ भी तुम्हें बोलूं एन तो तुम बता दोगे, नहीं ये सबके लिए होंगी। अभी एल्केन के लिए पढ़ रहे ना तो एल्केन की होमोलोगस सीरीज की बात कर रहा है, तो होमोलोगस सीरीज बाकी सारी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के लिए होंगी, एल्केन की अलग, एल्कीन की अलग, एल्कोहल की अलग, कार्बोक्सिलिक एसिड की अलग, सही है सबके लिए होंगे। अच्छा तो होमोलोगस सीरीज क्या है, सीरीज ऑफ कंपाउंड भी डिफर बाय CH2 यूनिट। CH2 यूनिट में क्यों कह रहा हूँ डिफरेंस, इसमें ICH2 यूनिट का आ रहा है, इसको पहली वाली को नीचे वाली को देखो तो कार्बन में कितना फर्क है, एक कार्बन बढ़ गया और 2 हाइड्रोजन बढ़ गए। अच्छा दूसरी से तीसरी में जाओ तो 2 कार्बन से 3 कार्बन हो गए, एक कार्बन बढ़ा और हाइड्रोजन 2 बढ़ गए। तीसरी से चौथी में जाओ तो कार्बन कितने बढ़े, एक 3 से 4 हो गए, हाइड्रोजन 8 से 10 हो गए। नीचे जाओ और तो कार्बन जो है वो 4 से 5, एक कार्बन बढ़ा है और 2 हाइड्रोजन बढ़े, तो दे आर एक्चुअली डिफरिंग बाय CH2 जो है। एल्केन्स में भी ऐसा हो रहा होगा, एल्कीन्स में भी ऐसा हो रहा होगा, एल्कोहल्स में भी ऐसा हो रहा होगा, क्योंकि नीचे वाला सीरीज होगा ना वो CH2 से डिफर हो रहा होगा। ठीक है अच्छा जी, एक तो ये हो गई, तो होमोलोगस सीरीज की डेफिनेशन ये होती है। करेक्टरिस्टिक्स क्या होती है, देखो करेक्टरिस्टिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है जिससे हमें होमोलोगस सीरीज पढ़ने का वाकई जो फायदा हो रहा है ना, एक तो जनरल फॉर्मूला इनका सेम होता है। करेक्टरिस्टिक्स क्या क्या है इनकी, तो होमोलोगस सीरीज के जो मेंबर्स होंगे ना उनमें कुछ बातें कॉमन होंगी, वो क्या क्या बातें कॉमन होंगी वो हमें लोगों को याद करनी है।
ताकि फिर उनको हम आगे यूज भी कर सकें. कैरेक्टरिस्टिक ऑफ होमोलोगस सीरीज. तो एल्केन अगर होमोलोगस सीरीज है तो उसके सारे मेंबर्स एल्केन्स होंगे. मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, सही है. और उनकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स होंगी वो भी सिमिलर होंगी. क्या सिमिलर होंगी? सबसे पहली केमिकल, सबसे पहली इनकी प्रॉपर्टी जो क्या है, दे ऑल हैव द सेम जनरल फॉर्मूला. दे ऑल हैव द सेम जनरल फॉर्मूला. जैसे एल्केन का फॉर्मूला क्या है, CnH2n+2. अभी मैं तुम्हें जनरलाइज लिख पा रहा हूँ ना, होमोलोगस सीरीज पे यही प्रॉपर्टीज एल्केन्स के लिए भी होंगी, अल्कोहल्स के लिए भी होंगी. तो मैं एल्केन्स का जनरल फॉर्मूला यहाँ पे सिर्फ नहीं लिख रहा, सिर्फ मैं एल्केन का लिख दूंगा तो फिर वो तुम्हें एल्कीन के लिए एल्कीन का लिख देना. मतलब चाहे एल्केन हो, एल्कीन हो, अल्कोहल हो, जनरल फॉर्मूला इनका उन मेंबर्स का सेम होगा. मतलब एल्केन का जो जनरल फॉर्मूला है वो एल्केन के लिए, सारे एल्केन्स के लिए होगा. एल्कीन्स का जो जनरल फॉर्मूला है वो सारे एल्कीन्स के लिए होगा. कार्बोक्सिलिक एसिड का जो जनरल फॉर्मूला है वो सारे कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए होगा. तो सेम जनरल फॉर्मूला का मतलब ये नहीं कि एल्केन, एल्कीन, कार्बोक्सिलिक एसिड सबका एक ही फॉर्मूला होता है. नहीं, जितने भी एल्केन्स है उनका एक अपना फॉर्मूला है. जैसे मैं तुम्हें यहाँ पे लिख देता हूँ, फिर मिटा दूंगा. जैसे जितने भी एल्केन है ना उनका जनरल फॉर्मूला होगा CnCnH2n+2. इसी तरह जितने भी एल्कीन्स है ना, ये एल्कीन्स है, ये एल्केन्स है, इनका फॉर्मूला होगा CnH2n. इसी तरह जितने भी कार्बोक्सिलिक एसिड्स हैं उनका अपना जनरल फॉर्मूला होगा, वो क्या होता है, CnH2n+1COOH. लेकिन जितने भी कार्बोक्सिलिक एसिड है ना वो सारे इस फॉर्मूला को फॉलो करेंगे. एल्कीन सारे अपने एल्कीन वाले फॉर्मूला को फॉलो करेंगे, एल्केन सारे अपने एल्केन्स वाले को फॉर्मूला को फॉलो करेंगे, सही है. तो एनी ऑर्गेनिक कंपाउंड इफ इट इज अ मेंबर ऑफ अ पर्टिकुलर होमोलोगस सीरीज इट विल हैव अ सेम जनरल फॉर्मूला एज दैट ऑफ द अदर मेंबर्स ऑफ द होमोलोगस सीरीज, सही है. तो दे हैव द सेम जनरल फॉर्मूला, ऑल मेंबर्स हैव द सेम जनरल फॉर्मूला. ऑल मेंबर्स कर दो, मेंबर्स वैसे बोलना तो नहीं चाहिए, इंसानों के लिए यूज होता है, लेकिन ये तुम्हारी अंडरस्टैंडिंग के लिए है. इसलिए मैं इसको ना थोड़ा स्ट्राइक आउट कर रहा हूँ, लिख के नहीं आना एग्जाम में. उसके बाद दूसरी बात ये है कि क्योंकि सारे एल्केन्स है ना, सबके सब जैसे एल्केन्स हो गए, एल्कीन्स हो गए, सबकी सबकी केमिकल प्रॉपर्टी सेम होंगी. स्ट्रक्चर उनके लंबे छोटे होंगे, बड़े छोटे होंगे, लेकिन सब में कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड थे एल्केन में, सही है. तो उसकी वजह से इनकी जो केमिकल प्रॉपर्टीज होंगी ना, कि वो एक दूसरे के रिएक्ट कैसे करते हैं दूसरे कंपाउंड के साथ, एयर में कैसे रिएक्ट करते हैं, पानी में कैसे रिएक्ट करते हैं, तो उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज तो सेम होंगी लेकिन उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट हो जाएंगी. देखो तुमने काइनेटिक पार्टिकल थ्योरी पढ़ी थी ना मेरे साथ, अब देखो इनके मॉलिक्यूलर मास बढ़ रहे हैं. मॉलिक्यूलर मास बढ़ रहे हैं मतलब वो हैवी हो रहा है. हैवी हो रहा है उसका क्या मतलब है कि वो क्या कहते हैं, उसकी प्रॉपर्टीज चेंज हो रही है. बॉइलिंग पॉइंट इसके बड़े हो रहे हैं. जैसे फॉर एग्जाम्पल मिथेन होती है. अब किसी ने मुझसे सवाल पूछा था कि मिथेन को मिथेन का नाम क्यों दिया है. मिथेन को जो है ना वो मैंने तुम्हें बताया था किस वजह से नाम दिया है. मीथ मतलब वन. अच्छा, मिथेन जो होती है ना उसका पहले नाम था मार्श गैस. मार्श गैस मतलब ये दलदल वगैरह में से निकलती है ना, मार्शी एरियाज में से निकलती है, जहाँ पे मट्टी और वो काउ डंग, जैसे तुम लोगों ने ज्योग्राफी में पढ़ा होगा तो काउ वेस्ट से भी जो है ये मार्श गैस बनती है, ठीक है. इसको हम नेचुरल गैस कहते हैं. अमृतला जा सकते हो. ये वही गैस है जो पाकिस्तान के पास बहुत है, CH4 कुकिंग गैस, ठीक है, जो घरों में आती है ना हमारे. बाकी दुनिया में तो इतनी कुकिंग गैस है नहीं. ईरान हो गया है, ताजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान, अजरबैजान, टर्की, पाकिस्तान, इन लोगों के पास कुछ ये हद से ज्यादा ही है. इतनी ज्यादा है कि हमारे पास, हम लोग जो है उसको क्या कहते हैं, घरों में पाइपलाइन लगा के चूल्हे पे खाना पकाते हैं, इससे गीजर चलाते हैं हमारे. बाकी दुनिया में ये जो है उसको फिर वो LPG की फॉर्म में यूज करते हैं, सिलेंडर्स की फॉर्म में यूज करते हैं. इतनी नहीं है बाकी दुनिया में, ठीक है. तो हमारे पास ये बहुत ज्यादा है और बहुत सस्ती है, ठीक है. नेचुरल, किसी ने कभी तुमने सुना है क्या, बिजली का बिल इतना, बिजली का बिल तो आता है, गैस का बिल इतना बड़ा आ गया. कोई नहीं कहता गैस का बिल इतना बड़ा आ गया, क्योंकि वो है इतनी सस्ती, तुम जितनी भी यूज कर लो बिल बड़ा नहीं आता उसका, सही है. मिथेन है वो CH4. अच्छा, अब तुम्हें पता है मिथेन दिखती भी नहीं है
और कितनी जल्दी आग पकड़ लेती है। इसी तरह इसी फैमिली का इथेन भी है, प्रोपेन भी है, ब्यूटेन भी है। इथेन प्रोपेन तुमने यूज नहीं करी होगी, लेकिन प्रोपेन जो होती है ना वो तुम्हारी सीएनजी की गैस में मिक्स हो रही होती है। अच्छा, मतलब सीएनजी क्या होती है, ये नेचुरल गैस CH4 होती है, इसको कंप्रेस करते हैं प्रोपेन के साथ और तुम्हारी गाड़ी के सिलेंडर में डाल देते हैं, यही होती है सीएनजी भी। इसी तरह पेंटेन इसी फैमिली के है ना, ब्यूटेन ब्यूटेन पेंटेन के, इसके तुम लोगों ने कहीं यूजेस नहीं देखे होंगे। हेक्सेन हेप्टेन ऑक्टेन, ऑक्टेन जो है ना वो पेट्रोल है, जो गाड़ियों में पेट्रोल डालते हो। अब देखो कितना बड़ा फर्क है ऑक्टेन में और नेचुरल गैस में। नेचुरल गैस क्या CH4, मीथेन क्या गैस है रूम टेम्परेचर पे, लेकिन ऑक्टेन जो है पेट्रोल लिक्विड है रूम टेम्परेचर पे, सही है। तो किस वजह से फर्क आ रहा है, मॉलिक्यूलर साइज इंक्रीज हो रहा है ना, इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट होती जा रही है, बॉइलिंग पॉइंट बढ़ रहा है, लेकिन केमिकल प्रॉपर्टीज दोनों की सेम है, दोनों जल के एनर्जी प्रोवाइड करेंगे, ये इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज है। दोनों जब जलेंगे गाड़ी में तो एनर्जी प्रोवाइड करेंगे आपको, फ्लेम देंगे, ये केमिकल प्रॉपर्टीज है, जो कि पूरी की पूरी होमोलोगस सीरीज, जो अगर एक होमोलोगस सीरीज की मैं बात कर रहा हूँ ना, जैसे अभी मैं एल्केन की बात कर रहा हूँ, तो पूरी सबके सब एल्केन की केमिकल प्रॉपर्टीज सेम होंगी, रिएक्शन उनके सेम होंगे, सारे के सारे जलेंगे, लेकिन उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज डाउन द सीरीज चेंज होती जाती है, मतलब डाउन द सीरीज मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट बढ़ रहे हैं, ठीक हो गया। अच्छा, मतलब लेस वॉलेटाइल होंगे। अच्छा, उससे और नीचे चले जाओ, डेकेन पे चले जाओ, तो हमारे पास किस में आ जाता है, डीजल में। अब डीजल और पेट्रोल में देखो कितना बड़ा फर्क है, केमिकल प्रॉपर्टीज सेम है, दोनों जलेंगे, नेचुरल गैस भी जलती है इंजन में, एनर्जी प्रोवाइड करती है, ऑक्टेन भी जल के एनर्जी प्रोवाइड करता है, डेकेन भी जल के एनर्जी प्रोवाइड करेगा। लेकिन देखो पेट्रोल और डीजल में फर्क क्या है, डीजल जो है वो तुम्हारे पास अच्छा खासा जो है वो क्या कहते हैं, डार्क होता है पेट्रोल से, पेट्रोल लाइट कलर का होता है, डीजल डार्क कलर का होता है, डीजल हैवी इंजन में चलता है, पेट्रोल ज्यादा एनर्जी प्रोवाइड करता है, डीजल कम एनर्जी प्रोवाइड करता है, सही। तो केमिकल प्रॉपर्टीज किसी भी होमोलोगस सीरीज की सेम होती है, लेकिन फिजिकल प्रॉपर्टी डिफरेंट होती है। अब आगे आगे जैसे बाकी फैमिलीज पढ़ते जाओगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की, वैसे वैसे ही अच्छा समझ आएगा। तो आप क्या लिखोगे, दे हैव द सेम केमिकल प्रॉपर्टीज, ओके, लिखो ऑल मेंबर्स ऑफ होमोलोगस सीरीज हैव सेम केमिकल प्रॉपर्टीज बट डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज। फिजिकल प्रॉपर्टीज कौन सी, मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट की जो मैं बात कर रहा हूँ ना, मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट वॉलेटिलिटी कलर, ये फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं, ठीक है। डाउन द सीरीज कलर डार्क होता जाता है, लेस वॉलेटाइल हो जाएंगे, मतलब डीजल को अगर आप खुले में रख दो तो डीजल इवेपोरेट नहीं करता, पेट्रोल को रख दो पेट्रोल उड़ जाता है। बस पांच मिनट और दे दो, पांच मिनट में खत्म कर रहे हैं। अच्छा, सी क्या है, मेंबर्स ऑफ ईच होमोलोगस सीरीज हैव द सेम जनरल फॉर्मूला, ये था जो पहले, वो तो मैंने लिखवा दिया पहले ना, ठीक है। उसके अलावा सेम जनरल फॉर्मूला हो गया, सेम केमिकल प्रॉपर्टीज बट डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज, ठीक है। इनके सेम फंक्शनल ग्रुप है, जैसे एल्केन का कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है, एल्केन की पहचान ये है कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड, एल्कीन की पहचान कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, इसी तरह आगे हम पढ़ते जाएंगे। लेकिन इन सबके पास इनके अपने अपने जनरल फंक्शनल ग्रुप होंगे, ठीक है। तो इसको कैसे लिखेंगे, मेंबर्स ऑफ ईच होमोलोगस सीरीज हैव द सेम फंक्शनल ग्रुप, members of each homologous series have the same functional group। alkene के अपने functional group अलग होता है, alkene का अलग होता है, alcohol का अलग होता है, carboxylic acid का अलग होता है, लेकिन जितने भी acids हैं उनका एक ही होगा, जितने भी alkene हैं उनका functional group एक ही होगा, ठीक है। तो ये तीन पॉइंट जो है ना ये तुम्हें याद होने चाहिए अट्टे के साथ, बिल्कुल वर्ड टू वर्ड, ठीक है।
और इनकी प्रिपरेशन मेथड भी सेम होता है. अगर मुझे लेट से एल्केन बनाना है तो मैं सारे के सारे एल्केन एक ही मेथड से बनाऊंगा. सेम केमिकल रिएक्शन एक पॉइंट इसमें फिर ये ऐड कर दो, दे हैव द सेम केमिकल प्रॉपर्टीज, ऐड कर दिए ना बस सही केमिकल रिएक्शन उसी में आ जाएगा. ये तो ये पॉइंट्स याद कर लेना, बाकी भी कल की क्लास में एल्केन्स हम लोग खत्म करेंगे और उसके क्वेश्चंस भी कर लेंगे कल ही कल. ठीक है, एल्केन्स में अब ज्यादा नहीं है, तुम लोगों ने इस चीज की प्रैक्टिस करनी है, ये बना के देख लेना कि कैसे बनेगा. मेक श्योर कि आपके कल तक जो आपको पता हो कि मीथेन क्या है उसका फॉरन फॉर्मूला बताओ, फॉरन उसका डिस्प्लेट फॉर्मूला तुम्हारे माइंड में आ जाना चाहिए. इतनी प्रैक्टिस आपको कल तक करनी है. ठीक है, कल एल्केन करते हैं, फिर मंडे को एल्कीन करेंगे. अच्छा, मंडे का टाइम क्या रखा था अभी हमने, 4 to 5 या 5 to 6? 4 to 5. 4 to 5 रखा है ना. ठीक है, तो 4 to 5 हमारी मंडे को भी अब क्लास होगी. ओके सर, मुझे आपसे कुछ बात करनी थी.